दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सुधा ने बेमन से साए गैस पर सड़ा दी और खाने की तैयारी करने लगी। आज फिर उसका मन उदास था। शीला जी ने तो उसे कभी पसंद किया ही नहीं था, जब से शादी करके आई है शीला जी किसी ना किसी बात पर उसे टोकती ही रहती है। कारण था रवि का शीला की मर्जी के खिलाफ सुधा से शादी करना। सुधा स्वभाव से शांत और सीधी थी, साथ ही हर काम में निपुण थी, पर गरीब और घरेलू परिस्थितियों के कारण 10वीं के आगे ना पढ़ पाई थी। उसकी सरलता और स्वभाव पर रवि मोहित हो चुका था। एक पारिवारिक समारोह में जब रवि ने सुधा को देखा तभी सोच लिया था कि वह सुधा से ही शादी करेगा। उसकी पढ़ाई को इतर रखते हुए सुधा की सरलता को देखकर रवि ने मां के खिलाफ जाकर सुधा से शादी कर ली। कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना शीला जी की शान के खिलाफ था। उनके अनुसार रवि ने सोसाइटी में उनकी नाक कटवा दी थी। ऐसी तो शादी को 3 साल हो गए थे, पर शीला जी की नफरत सुधा के लिए बल्कि कम ना हुई थी। अब तो सुधा को भी उनके ताने सुनने की आदत हो गई थी। बस यही सोचती प्रेम विवाह की शायद यही कीमत है जो उसे चुकानी पड़ रही है। शीला जी को तो अब अपने छोटे बेटे की शादी का इंतजार था। दिन रात दीपक को सताती रहती कि तेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से ही पढ़ी लिखी अमीर खानदान वाली लड़की से होगी। दीपक के लिए शीला जी ने कई लड़कियां देखी पर उन्हें कोई पसंद ना आती। जरा से भी कमी लड़की में उन्हें नहीं चाहिए थी। किसी की हाइट ज्यादा तो किसी की कम है, कोई बहुत पतली है तो कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। ऊपर से पढ़ी लिखी और अमीर भी हो ताकि सोसाइटी में जो शान हो रवि की शादी में ना दिखा सकी, अब वह दीपक की शादी में दिखा सकी। बड़ी तलाश के बाद आखिरकार दीपक के लिए उन्हें वैसी लड़की मिल गई जैसी उन्हें तलाश थी। जब से शादी पक्की हुई थी तब से शीला जी सुधा जी को सुना सुना के छोटी बहू और उनकी तुलना करती रहती। आज जब कॉलोनी की औरतें शीला जी से मिलने आई तो शीला जी फिर शुरू हो गई। अरे सुमन मेरे बेटे के लिए इतनी अच्छी लड़की मिली है कि क्या बताऊं, हमारे खानदान में किसी की बहू इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी नहीं है जितनी अंजलि है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। इतने में सुधा सबके लिए पानी और नाश्ता भी ले आई। भाग्य तो तेरे ससमुस में बहुत अच्छे हैं, तभी तो तेरी बड़ी बहू भी सर्वगुण संपन्न है। सुमन बोली, अरे काय की सर्वगुण संपन्न, सिर्फ 10वीं ही तो पढ़ी है। पता नहीं रवि को इसमें क्या देखा जो इससे शादी कर ली। शीला जी बोली, जाते जाते सुधा के कानों में भी शीला जी की बातें पड़ गई, पर वह सब साफ किशन में आके साए बनाने लगी। दीपक की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। अंजलि की मुंह दिखाई में सारी औरतों ने बहू की सुंदरता की खूब तारीफ की। शीला जी तो फूली नहीं समा रही थी। अपनी पसंद पर उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। अब तो शीला जी हर बात पर दिन भर अंजलि अंजलि ही करती रहती थी। कोई भी काम हो तो अंजलि को आवाज देती, जैसे अब तो उन्हें सुधा से कोई मतलब ही ना हो। शीला जी के जो काम पहले सुधा करती थी अब वह उस काम के लिए अंजलि से कहती। कभी अंजलि ना आती तो खुद उसके कमरे में पहुंच जाती, पर सुधा के सामने होने पर भी उससे ना करवाती। दूसरी ओर अंजलि को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मायके में तो कभी अपने हाथ से पानी भी नहीं पिया था। दिन भर टीवी देखना और फोन पर सहेलियों से बातें ही करना अंजलि का पसंदीदा काम था। इधर शीला जी का हर काम के लिए अंजलि को आवाज देना उसके आराम में बाधा डाल रहा था।
शुरू के कुछ दिनों तक तो अंजलि करती रही, फिर उसे अपनी सास के काम से सिड़ होने लगी। कई बार तो वो शीला जी की बातों को जानबूझकर अनसुना भी कर देती थी। एक रोज अंजलि ने सहेलियों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाया, तैयार होकर कमरे से निकली कि शीला जी ने पूछ लिया, अरे बहू कहाँ जा रही हो, और वो भी अकेली, जरा दीपक को आ जाने दे, उसके साथ तुम चले जाना। अरे सासू माँ, अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम है, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, कोई घूमने फिरने नहीं, कहते हुए अंजलि चली गई। शीला जी उसे जाता हुआ देखती रह गई, पर कुछ बोल नहीं पाई। दूसरे दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, शीला जी ने उनके सामने से ही कई बार अंजलि को बुलाया पर वह नहीं आई। इतने में सुधा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मेहमानों के जाने के बाद शीला जी अंजलि के कमरे में गई तो वह कान में हेडफोन लगाई सहेलियों से बातें कर रही थी। शीला जी को गुस्सा आ गया और शीला के बोली, सुनाई नहीं देता, घर में मेहमान आए थे, उनके लिए चाय बनाने की बजाय यहाँ कमरे में टाइम पास कर रही हो। मेहमान क्या सोच रहे होंगे कि इनकी बहू तो सुनती ही नहीं। तो क्या हुआ माँ जी, कौन सा पाड़ टूट गया, सुधा दीदी ने तो बना ही दिया होगा ना, और यू बार बार हर काम के लिए मुझे आवाज मत दिया करो, मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, कहते हुए फिर हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगी। शीला जी का चेहरा देखने लायक था, आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कितना बुरा भला। कहने के बाद भी सुधा जी ने कभी उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया, फिर भी उन्होंने बड़ी बहू में हमेशा कमियां ही देखी और छोटी बहू में संस्कार देखने की बजाय उन्हें सिर्फ उसकी सुंदरता दिखी। वह कमरे से बाहर आई तो देखा सुधा सामने खड़ी है। उसको देखते ही शीला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ बोलना चाहा पर सुधा ने अपने हाथों को उनके होठों पर रख दिया। आखिर बड़ी बहू के रूप में शीला जी को सर्वगुण संपन्न बहू मिल ही गई। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, जिस चीज की हम कीमत नहीं समझते आखिर में वही काम आती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।